अक्सर औरतों में देखा जाता है कि नेक पेन बहुत जल्दी आने लगता है और उनकी आर्म में भी पेन जाने लगता है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि उनका शोल्डर भी पूरा स्टिफ हो जाता है, शोल्डर से वो कोई काम भी नहीं कर पाते हैं। अगर ऐसा है और आप झुककर के इस तरीके से काम करते हैं, या जेंट्स में भी देखा गया कि जो लोग हमेशा जैसे कंप्यूटर के आगे काम करते हैं झुककर के इस तरीके से गर्दन करके, या स्टूडेंट होते हैं कई बार उनकी नेक में भी पेन आने लगता है या पीछे बैक में पेन आने लगता है। अगर ऐसी समस्या है तो अभी से आप सतर्क हो जाइए, नहीं तो आगे जाके बहुत सारी समस्याएं आ सकती है। जैसे आपको चक्कर आ सकते हैं, अगर आप बैठ के उठते हैं तो चक्कर आने शुरू होते हैं, सर में दर्द रह सकता है। तो इन सारी परेशानियों से अगर आप बचना चाहते हैं तो 3 एक्सरसाइज आज से ही करना शुरू कर दीजिए, आपका नेक पेन हमेशा के लिए चला जाएगा। सबसे पहली एक्सरसाइज उल्टे लेट के करनी है। तो पहले हम उल्टा लेट जाएंगे इस तरीके से, ऐसे अपने लेटना है। अब आपको क्या करना है, हल्का सा अपर बॉडी को इस तरीके से उठाना है, अपर बॉडी को उठाना है, पेट को नहीं उठाना है। ध्यान से देखिए इस तरीके से, और दाएं बाएं इस तरीके से अपनी नेक को ऐसे घुमाना है बहुत धीरे से, इस तरीके से पीछे देखने की कोशिश करना है। जितना आप अपनी नेक को घुमा के पीछे की तरफ देख सकते हैं उतना ले जाना है। कम से कम 10 रेपिटेशन आप दोनों साइड में जरूर करें इस तरीके से, बहुत धीरे धीरे, झटका नहीं मारना है, बहुत धीरे धीरे इस तरीके से, और दिन में 2 बार जरूर करिए। आपकी पहली एक्सरसाइज हो गई। सेकंड एक्सरसाइज में आपने बैठ जाना है, आलती पालती लगा के बैठ जाएंगे इस तरीके से, या आप अपने बेड के ऊपर भी कर सकते हैं। एक हाथ को ऐसे पीछे रखेंगे हल्का सा, और दूसरे हाथ को यहाँ पे रखेंगे छाती पे। अब आपको हल्का सा गर्दन को ऐसे करना है और घुमाते हुए ऐसे ऊपर देखने की कोशिश करना है, इस तरीके से घुमाते हुए हल्का सा ऊपर देखने की कोशिश करेंगे, और पूरा यहाँ पे आपको स्ट्रेच फील हो रहा होगा। देखिए ध्यान से देखिए, जब मैं दूसरी साइड करके दिखा रही हूँ कैसे करना है, ऐसे दूसरी साइड करेंगे, ऐसे हाथ को रखेंगे, एक हाथ को छाती के ऊपर। अब आपकी गर्दन ऐसे है हल्का सा, पहले तो ऐसे घुमाएंगे और फिर ऊपर देखेंगे, ऐसे घुमाते हुए पीछे की साइड ऊपर देखेंगे ऐसे, तो यहाँ पे आपको स्ट्रेच फील होगा। तो यहाँ पे 5 सेकंड के लिए आपने रुकना है, और कम से कम 5 रेपिटेशन आपको इस साइड भी और उस साइड भी करने हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज, आप हाथों को ऐसे मिलाएंगे और इस तरीके से आगे की तरफ ले जाते हुए गर्दन को हल्का सा झुकाएंगे, और फिर गर्दन को भी सीधे करेंगे, हाथों को भी पूरा सीधा करेंगे, स्ट्रेट कर देंगे। वापस से ऐसे आएंगे हल्का सा, हाथों के साथ गर्दन भी आपकी नीचे की तरफ जाएगी जितना आप ले जा सकते हैं, और ऐसे ही फिर गर्दन को भी सीधा करेंगे, हाथों को भी सीधा करेंगे। कम से कम 5 से 10 रेपिटेशन जरूर करें, और दिन में 2 बार जरूर करें। तो ये 3 एक्सरसाइज हो गई इस तरीके से। तो दिन में जब भी आपका समय मिलता है तभी करिए, या दिन में 2 बार एक सोने से पहले या एक उठने के बाद जरूर करें। तो आप देखेंगे ये पेन भी कम हो गया है, जो स्टिफनेस है वो भी कम हो गई है, और बहुत अच्छा आपको महसूस हो रहा है, चुस्त फुरुस्त आपको लग रहा है। आज इतना ही। वीडियो कैसी लगी जरूर बताना, वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो देसी इलाज को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।